मिट्टी का हम लोग का जमीन भी हुआ करता था, शुरुआत ऐसे हुई। उस टाइम प्लास्टर नहीं था। और यहीं पर ये यहाँ पर किचन था, तो शुरुआत हम लोगों ने ऐसे की है। आज हमारे घर में ये देख रहे होंगे पीछे, यह एक स्लाइडर लग गया है यहाँ जो बालकोनी में था, और इसके अलावा जितना भी रूम में पर्दा था और डेकोरेशन का काम था, आज वो सारा पूरा हो जाएगा। ये लग गया जी यहाँ पर स्लाइड गेट। यहाँ देख सकते हैं जी पर्दा लग रहा है और जितना भी रूम है सब में लगेगा। तो सब तो काफी पहले ही हो जाना था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोविड का माहौल आ गया था और लगभग पूर्णतः लॉकडाउन लग चुका था। कोविड के खतरे की वजह से भी हम लोग कोई भी काम आगे नहीं करवा रहे थे। अब चलकर थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है तो अब यहाँ पर काम शुरू करवा रहे। यहाँ पर तो पूरा लग गया जी, लेकिन यहाँ पर अभी सजाने के लिए बहुत कुछ हमें डालना है जो अभी डाला नहीं है। कुछ कुछ यहाँ पर था तो पहले से ही इन लोगों ने डाल दिया है। इस रूम में तो यह सेल्फ लग गया जी, अब दूसरे रूम में लगाने की तैयारी चल रही है। ये भाई लग गया है, दूसरे रूम का सेल्फ तैयार कर रहे हैं। ये हमारा एनिवर्सरी का केक है। परसों ही था हमारा एनिवर्सरी। भाई साहब ने पूरा काम कर दिया हमारा, जितना भी काम पेंडिंग था जो हम छोड़ करके चले गए थे दिल्ली, तो वापस आए, तो धन्यवाद इन भाई साहब सबका जो पूरा काम कर दिया इन्होंने जी। अब घर में पर्दा सेट किया जा रहा है और जिया जो है कुतुब मीनार पर खड़ी हो चुकी है और इसको जो है पूरा पर्दा सेट करना है। अच्छा ऐसी बात है। जिया के हाथ में आप देख सकते हैं यह कुछ है, जिया के हाथ में यह है मामा अर्थ का बम्बू बेस्ट मास्क जी। ये मेरा फेवरेट है। अलग अलग तरह के हैं जी, मैं इसका ये वाला यूज कर रहा हूँ, रेटिनोल बम्बू सीट मास्क। मामा अर्थ ने कुछ दिनों पहले ही बम्बू सीट मास्क को लॉन्च किया है जो कि इंडिया का पहला बम्बू बेस्ड मास्क है जी, जो हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा। अगर आप भी स्किन के डलनेस, फाइन लाइन और रिंकल और स्किन के हाइपर पिगमेंटेशन से आप परेशान हैं, तो जी आपको इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करना, इससे आपको जी बहुत ही बेनिफिट होगा। बाकी पहले हम इसको यूज कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात कर रहे हैं। इस मास्क को लगाने से पहले आपको फेस वॉश कर लेना है। मैं मामाअर्थ का ही फेस वॉश यूज करता हूँ जो कि विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश है। और फेस वॉश करने के बाद आपको मास्क अपने चेहरे पर लगा लेना है। चलिए पहले फेस वॉश कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो जी हमने अपना चेहरा धो लिया है। जी फेस वॉश करने के बाद अब मैंने लगा लिया यह मास्क और इस मास्क को जो है 15 मिनट तक छोड़ देंगे जी। मैंने तो लगाया ही है यह फेस मास्क ऊपर और जिया ने भी अपना लगा लिया है, तो बाकी देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है कुछ देर बाद। देख सकते हैं कितने अच्छे से चिपक गया है, जिया को थोड़ा दाढ़ी मूंछ नहीं है। और मेरा जो फेस मास्क है इसको कितनी भी कोशिश कर रहे हैं चिपकाने की तो यह अच्छे से चिपक नहीं पा रहा। 15 मिनट हो चुका है, अब ऐसा करते हैं इसको उतार लेते हैं जी। आप अपने चेहरे से उस मास्क को उतार लीजिए और मास्क को उतार लेने के बाद चेहरे को अच्छे से मसाज कर लीजिए। और मसाज करने के लिए आपको अलग से किसी सीरम की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस शीट मास्क में ऑलरेडी सीरम होता है और इस सीरम मास्क का जो हाइड्रेशन इफेक्ट है 9 गुना ज्यादा होता है जी नॉर्मल सीरम से। फेस पर मसाज कर दी, मेरे जो फेस का स्किन है जी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया। अब जो है देखिए मेरे चेहरे पर थोड़ा सा आपको ग्लो नजर आ रहा होगा। तो अब जिया भी अपना मास्क उतार रही है, तो एकदम देख सकते हैं जी। अगर आप भी यह प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा GR2021 तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मामाअर्थ का प्रोडक्ट जो है इसके बारे में तो कहने की जरूरत है ही नहीं, कई सारी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं। ये मामाअर्थ की मुझे एक बात और अच्छी लगती है कि यह पर्यावरण के प्रति भी अपनी तरफ से योगदान करते हैं। जैसे कि आप मामाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यह क्या करता है कि आपके ऑर्डर को वेबसाइट के एक ट्री से लिंक कर देता है
जो ये प्लांट करते हैं। और मामार्थ का मिशन है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने। मामार्थ ने तो अब अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप से क्या हो जाता है जी, आपको सेल्स का अर्ली एक्सेस मिल जाता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। मामार्थ का सारा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है मामार्थ के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, अमेजोन पर और नायका पर। लेकिन यह जो कूपन कोड है जी, यह सिर्फ मामार्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेबल होगा, बाकी वेबसाइट पर नहीं। The next day. जो भी काम चल रहा था घर में, फाइनली वह सारा काम जो है अब समाप्त हो चुका है। कुछ अभी भी थोड़ा बहुत पेंडिंग रह गया है वो, लेकिन बाद में हम लोग करवा लेंगे। और आप में से कई लोग डिमांड कर रहे थे होम टूर ब्लॉग का, भले हमने होम टूर ब्लॉग पहले डाला हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन कह रहे हैं कि जी आपके नीचे वाला रूम नहीं देखा हमने, जहाँ पर आपके मम्मी पापा रहते हैं। तो सोचा कि आज क्या करते हैं, नीचे वाला होम टूर तो करेंगे ही, साथ साथ एक बार और ऊपर वाला होम टूर भी करा देंगे, ताकि एक ही वीडियो में पूरे घर का टूर हो जाएगा। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो भी एक बार देख लेंगे, जो पहले देख चुके हैं एक बार और देख लेंगे। ये हम सभी को लेकर के जा रही है नीचे, और नीचे से आपको सारा रूम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, आप दिखाएंगे, भी दिखाओ हम भी दिखाएं, दोनों मिलकर दिखाएंगे। हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस पर है सीधा, तो इस घर में जो एंट्री होगी इसी गेट से एंट्री होती है। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का रास्ता है, और सामने है रूम जाने का रास्ता। तो चलिए रूम चलते हैं। तो आप आ रहे हैं जी हम रूम, तो रूम घुसते ही सबसे पहला रूम आपको यहाँ दिखेगा, तो देख सकते हैं यहाँ रूम, यह पापा का ऑफिस के तौर पर सब कुछ लगा रहता है। यहाँ पापा का जो भी लॉ का किताब है वह सब रखा हुआ है, बाकी कुछ सारे किताब तो ऊपर वाले फ्लोर पर भी रखा गया है। अब आते हैं जी हम लोग दूसरे रूम में, तो इस रूम में जो है भाई पढ़ाई कर रहा है। पहले भाई का रूम अलग था, अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें हमने बताया है कि भाई का स्टडी रूम ऊपर था, लेकिन अब जो है इसका स्टडी रूम नीचे हो गया है। वह क्यों है मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में, उससे पहले दिखाता हूँ ये सारा रूम। तो यह है जी हमारा यहाँ का रूम, यहाँ पर देख सकते हैं सारा छज्जा, ये अलमीरा, ये सब बना हुआ है। हम लोग के बिहार साइड ऐसा कंसेप्ट है, बाकी देख रहे हैं आजकल इधर भी छज्जा डालने का कंसेप्ट सब खत्म हो रहा है। जब हम लोग का ऊपर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जो भी मिस्त्री साहब थे वो कह रहे थे कि नहीं छज्जा नहीं डलवाइए, मम्मी कहे नहीं डलना है, तो मम्मी ने हमने जीत पर डलवा लिया है। और छज्जा रहने से जी सुविधा भी हो जाता है, घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान रहता है जिसका ज्यादा यूज नहीं रहता है, या जिसको बहुत ही इमरजेंसी में निकालना होता है, वो सब ऊपर में रख देते हैं। तो अब बताते हैं कि भाई को जो है नीचे क्यों भेज दिया गया है पढ़ने के लिए। होता क्या था जी, जब से हम लोग ऊपर आए हैं तो हमसे और भाभी से अपनी बातचीत करने में जो है यह लग जाता था थोड़ा बहुत, तो डैडी को लगता था कि अब यह जो है पढ़ाई लिखाई में इसका डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो डैडी कहे कि तुम नीचे आ जाओ, तब ये नीचे आकर के ही अपना पढ़ाई कर रहा है। आज भी वो बचपन वाला जो है ना कड़ाई नहीं गया, जिस तरह से हम लोग के पीछे लगे रहते थे, बिल्कुल मेरे पीछे लगे हुए हैं। मतलब किचन में आएंगे, झूठ में बर्तन धोने का अच्छा। एक्टिंग करते हैं, लेकिन नजर रहता है मेरे तरफ कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। और उनका फेवरेट सब्जेक्ट है PCCRPC, उसका तो मेरा रोज टेस्ट होता है। वाह, अब इसको ऐसा करते हैं पढ़ाई करने देते हैं और आपको लेकर चलते हैं अगले रूम में। तो अब इस रूम से निकलते हुए जी साथ में यहाँ लगता है एक किचन, और दाहिने साइड भी लगता है एक किचन, और यहाँ पर दो बाथरूम, एक बाथरूम वहाँ पर है एक बाथरूम वहाँ पर है। यहाँ पर आपको काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है इस गेट पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला था, तो उसमें सारा सीमेंट पेंट जो भी होता है सब इसमें लग गया था, तो इसको फिर से एक बार पेंट करवाना है हम लोग को। अब बाकी यहाँ जी बेसिन के सामने देखिए हम हैं, यहाँ किचन में देख सकते हैं वहाँ जो है आम को धो रही है, घर में इतने सारे आम हैं कि लग रहा है कि इस पर आम खत्म करना मुश्किल हो जाए। यहाँ तो बाजार से खरीद के आ नहीं रहा है, समधियाना से वकील साहब का क्लाइंट पड़ोसी सभी लोग दे रहे हैं, आदमी कम है आम ज्यादा हो गया। हम आ गए हैं किसी अलग रूम में, और यही रूम जो है शादी के बाद हमारा रूम हुआ था, और शादी से पहले भी हम इसी रूम में रहते थे। और यहाँ पे हमारी नानी है। हाँ जी, ये हमारी नानी माँ है जो आपको कई ब्लॉग में देखी होगी जब भी इस रूम में हम वीडियो शूट करते थे। यहाँ पे हमारा बेड लगा हुआ था, तो हम बैठते थे यहाँ पे, तो हमारी नानी हमेशा हमारे पीछे आती थी, है ना, बैकग्राउंड में आ जाती थी। यहाँ पे हमारा बेड हुआ करता था, और यहाँ पे सारा सामान रहता था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क शेड्यूल था जी। ये सोशल मीडिया के लिए सारा टाइम टेबल बना रखा था, और कुछ अपना जो भी हेल्थ रिलेटेड चीज था, स्टिकी नोट में था। इस सब में सब कुछ हम लोग लिख के रखते थे, तो पिछले एक साल का जो है कुछ आपको झलक यहाँ पर दिख रहा होगा, जब से हम लोग यूट्यूब पर आए हैं। ये हमारा कूवर भी था,
हम लोगों में क्या है कि हम लोग का जो बेडरूम होता है ना वहीं पे कोहबर होता है। अच्छा, यहाँ पे। और हमारे घर में जो हमारा पूजा रूम होता है ना वहाँ पे कोहबर हुआ करता है। बिल्कुल जी। और यहाँ बेडरूम को देख सकते हैं, सजाया गया है। यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, गंगा यमुना की धारा आही बात तुम्हारा। कुछ कुछ चीज और भी लिखा हुआ था जिसको मिटा दिया गया है चौठाई के दिन। के साथ ये वाला जो रूम है यहाँ से भी एक गेट है। यहाँ से हम लोग घुस जाते हैं अपने मम्मी पापा के रूम में, तो देख सकते हैं मम्मी पापा का रूम। और यहाँ आम फैला हुआ है पूरा। कितना सारा आम है यहाँ पे। ये पुराना टीवी है जो अब इसके अंदर। जी हाँ बिल्कुल, ये एलजी का था पुराना 21 इंच का टीवी। डैडी का सारा जो है दवाई वाई रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे देवर जी का फोटो, देखिए मोनू का फोटो, एक ये लगता है 9th या 10th का है इसका। यहाँ पे हमारे दीदी डैडी का सारा सामान रखा हुआ है और इनका बेड है। ये है जी मम्मी पापा का बेडरूम, तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दीदी डैडी का कपड़ा उपड़ा सब अपना रखा हुआ रहता है। तो ये है हमारे दीदी डैडी का रूम। और तो आप लोग पूछ रहे थे कि मम्मी पापा का रूम नहीं दिखाया आपने, तो लीजिए जी यही है मम्मी पापा का रूम। और ये पहले जो था, हाँ, हम लोग का जब घर बनना शुरू हुआ था, हाँ, हम लोग करीब 6-7 साल तक इसी रूम में पढ़ाई किया है। दो रूम में रहे हैं। हाँ पहले दो रूम बना हुआ था, एक ये रूम बना हुआ था और एक ये रूम बना हुआ था, उधर का दो रूम भी नहीं बना हुआ था। वास्तुशास्त्र के वजह से ये वाला गेट भी ब्लॉक था, याद होगा। हाँ हाँ ठीक है। डैडी दीदी यहाँ रहते थे, हम दोनों भाई उस रूम में सोते थे इसी वाले बेड पर। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे तो पापा जो है वह टीवी का स्क्रीन में या शोकेस उधर घूम के लगा हुआ था, तो पापा टीवी की स्क्रीन में देखते थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। हम वहाँ टीवी स्क्रीन में देख लेते थे पापा को कि पापा देख रहे हैं। ये बेचारा पकड़ नहीं पाता था, तो हम पढ़ने लग जाते थे। फिर ये अभी भी वैसे बहुत तेज है। तुमको पकड़ी कौन थी सबसे पहले? नैंसी दीदी पकड़ी थी। नैंसी दीदी एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पर 11th का एग्जाम देने के लिए आए थे। यहाँ था हमारे ग्राउंड फ्लोर का टूर जहाँ पर अभी मम्मी पापा रहते हैं। जैसे ही हमारा ऊपर में फ्लोर कंस्ट्रक्ट हुआ था, जब पूरा फिनिश हो गया था, तब हम लोग का प्लान था कि सभी लोग ऊपर चले जाएंगे, लेकिन दीदी डैडी यहीं पर रह गए। दीदी डैडी से कंफ्यूज नहीं करिएगा, मम्मी पापा को दीदी डैडी बोलते हैं। तो जी हुआ क्या, वो कहे कि नहीं जब तक नीचे भी पूरा फिनिश नहीं करवा देंगे, यहाँ भी पेंट होना है और भी फिनिशिंग का काम होना है, तो जब तक यहाँ पूरा फिनिश नहीं होगा तब तक मम्मी पापा ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए ये लोग यहीं पर हैं और हम लोग अभी ऊपर रह रहे हैं। भाई का अपना अलग रूम है जो कि स्टडी रूम था पहले, आपने देखा था। हमारे ग्राउंड फ्लोर का टूर अब आपको कराते हैं, फर्स्ट फ्लोर का टूर। और वहाँ पर टूर पर जाने से पहले आपको नीचे का दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा सीढ़ी घर है, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहाँ रखते हैं हम लोग। बिल्कुल जी। जो कि यहाँ पे हाँ जी, जैसे कि जिया का सैंडल हो गया, जिया का लिपस्टिक हो गया, जिया का मेकअप का सारा सामान हो गया। यहाँ असल में जी आपको मिलेगा जब भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम होता है, सीमेंट का बोरी हो गया, पेंट का डब्बा हो गया, जो भी हमारे घर में एक्स्ट्रा सामान है ना बाहर रखने लायक वो हम लोग यहाँ रखते हैं। जी अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। जी अब कैमरा मैंने पकड़ लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सारा चीज। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर दिखेगा हमारा बालकनी वाला इलाका। यहाँ पीछे अब जो है स्लाइड गेट लग चुका है। स्लाइड गेट इसलिए लगा दिया, हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ी सी प्राइवेसी रहे, इसलिए हमने स्लाइड गेट लगा दिया, कोई तांग झांक ना करे। मजाक कर रहे हैं जी। यहाँ पर कोई भी गेस्ट आए तो यहाँ पर आराम से हम लोग एक मीटिंग भी कर पाए, प्रॉपर बातचीत हो पाए। अच्छे से सेटअप हम लोग लगाएंगे, अभी उतना कुछ किया नहीं है, बस जैसे जैसे रखा हुआ है थोड़ा सा वैसे ही है, मैस पड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसको अच्छे से हम लोग डेकोरेट करेंगे कुछ दिन बाद। और यहाँ जो रैक है जी आप जो देख रहे हैं ढका हुआ है, इसके पीछे है हमारे डैडी का सारा किताब। तो जो भी लॉयर फैमिली से होंगे जी उनको पता होगा कि कितने सारे किताब रहते हैं। अभी यहाँ तो कुछ ही है, नीचे वाले में तो पूरा भरा हुआ है, और इसको हमने ढक दिया इसलिए क्योंकि धूल जम जाता है। पहले ये खुला था ना तो पूरा धूल जम जाता था और यहाँ जम जाता था, इसलिए हमने इस पे ऐसे कवर लगा के रखा हुआ है। और इसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पे भी शीशा लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसके बाद ही आते हैं अंदर वाले रूम में, तब अंदर का दिखाते हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन चलिए जी फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। अंदर घुसते हैं जी आपको दिखेगा यहाँ पूजा वाला रूम, तो देख सकते हैं यहाँ पूजा घर जो है जी हमारा पूजा घर। चलिए अब पूजा घर के बाद जो है अब चलते हैं अगले रूम में। तो आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यह एक हॉल है और यहाँ हॉल से ही जो है सारे रूम का रास्ता है। यह हमारा बेडरूम, यहाँ पर दो बाथरूम और वहाँ पर एक मेरे भाई का रूम, एक किचन। तो यहाँ पर दो रूम, दो बाथरूम और एक किचन, इस तरह का सेट बनाया गया है। हम चलते हैं अपने रूम में। तो यहाँ पर पूरा अभी अंधेरा है, लाइट जला देना जी।
तो लाइट जल गया और अब देखिए जी रूम, तो यहाँ का जिया का जोजो वहाँ से जो है इस तरह से बैठा हुआ है। बहुत लोग पूछ भी रहे थे ये कहाँ से लिया आपने, तो ये हमने मीशो से लिया है। अगर आप लोग भी लेंगे तो इसका कोड हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग भी ले लेना। यह है जिया का बेड, इस बेड के लिए जो जिया का बेड नहीं है, आपका बेड है। नहीं, जिया महारानी का बेड है। तो जी ये क्या था, इसके लिए हम लोग को मच्छरदानी मिल ही नहीं रहा था। और यह जो चादर भी जो फिट आया है, यह भी स्पेशली नहीं कहते शायद कटवा के लिए है, थान से कटवा के लिए है। हाँ जी, तो जो भी हम लोग रेडीमेड बेडशीट लाते हैं छोटा पड़ जाता है इस बेड के लिए, तो इतना बड़ा बेड है ये। देख सकते हैं अपना जिया का रूम कुछ ऐसा है, वहाँ पर जो है पांडा वहाँ से है, खरगोश है और पीछे पिकाचू पड़ा हुआ है। इस खिड़की को जो है अब खोल दिया जाए तो इसके बाद देखिए कितना अच्छा रोशनी आता है घर में, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा आता है कि कोई सो ही नहीं पाएगा अगर ये ऐसे नहीं रहेगा तो, बिल्कुल है। साथ में ये दो कुर्सी लगा हुआ है जो कि पति देव बैठते हैं तो इनका सामान इधर से उधर हो जाता है। हम पूरा अच्छे से, आज हमको होम टूर का ब्लॉग रिकॉर्ड करना था तो हम सुबह ही सारा कुछ ठीक किए थे, फिर वैसे ही हो गया, तो थोड़ा सा इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो क्या है जी, यह है असल में सोफा सेट, बाहर में एक सोफा देख रहे होंगे आप लगा हुआ है यहाँ पर, ये सोफा इसी के साथ यहाँ दो कुर्सी लगा हुआ है, तो लेकिन क्योंकि हॉल में ज्यादा स्पेस हो जाता तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर लगा दिया है ताकि हम लोग अच्छे से बैठ पाए, कुछ भी काम हो तो, कुछ रील्स वीडियो भी शूट करना हो तो यहाँ पे बैठ के कर लेते। और आते हैं ये टेबल पे, यहाँ पे हमारे पतिदेव बैठ के काम करते हैं जो कि देख सकते हैं। थोड़ा देर पहले ही हम सब कुछ ठीक करके गए थे और 5 मिनट बस यहाँ बैठे हैं और इसका हाल देखे। पति की बुराई, चलिए अगला दिखाते हैं। पति की बुराई नहीं दिखा रहे हैं, कितने अच्छे हमारे, बहुत बढ़िया। और इसके साथ ये रहा हमारा हॉल और ये सब हमने डेकोरेट करवाया है, आपने देखा होगा ब्लॉग में यहाँ जो डेकोरेशन चल रहा था कुछ देर पहले। और आगे का जो भी है ये सब आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे कि हमने ये सब कहाँ से लिया, जो भी लिया। चलते हैं हम अपने दूसरे रूम में, तो यह रूम जी है, यह रूम है भाई का, तो यहाँ पर यह अभी सोने आता है, यहाँ पर ये अपना पढ़ाई भी क्या करता था। मेरे भाई का गिटार देख रहे होंगे तो मेरा भाई थोड़ा बहुत गिटार भी बजा लेता है। सबसे स्पेशल क्या है पता है इस रूम का, इस रूम के यहाँ का जो व्यू आता है, इस रूम के बाहर ये देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आता है, कितने सारे रील के वीडियो जो है हमने यहाँ पर शूट किए हैं। जब बारिश होती है ना तो हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं बैठ के, है ना। और यह रूम जो है सबसे ठंडा रूम यही है क्योंकि एक खिड़की इसका यहाँ पर है और एक खिड़की यहाँ पर है। इसको खोल देते हैं फिर आपको प्रॉपरली दिखेगा। इसको खोलने के बाद देखिए जी इसका व्यू देखिए आप, कितना रोशनी है इस रूम में। सबसे ज्यादा तो हमें यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ से बहुत अच्छा वाला व्यू आता है। यहाँ पे हमारे देवर जी का बेड है जो रात में सोने आते हैं बस, और यहाँ पे उनकी ये बुक सब रखी हुई है। अब आपको लेकर के चलते हैं किचन में, जो कि हर लेडीज का फेवरेट होता है किचन, तो आप यहाँ किचन देख सकते हैं और किचन से बाहर का व्यू दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको ये देख सकते हैं अभी जब तक यहाँ पर मकान बना नहीं है तब तक तो यहाँ पर व्यू अभी है ही अच्छा जी। हाँ। और जब तक मकान बन जाएगा तब तक ऊपर बन जाएगा, बिल्कुल जी। आप में से कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि आपका किचन का ये जो डब्बा उब्बा है वो सब चेंज कर दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे थोड़े दिन में इसे अपने किचन को डेकोरेट कर ले, अच्छा अच्छा सामान लगा दे, तो अभी नहीं हो पाया, धीरे धीरे सब कुछ करें। तो यह था जी हमारा आज का होम टूर ब्लॉग, जो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप में से कई लोग डिमांड कर रहे थे कि आप जो है अपने होम टूर का वीडियो डालिए, भले यह वीडियो हमने पहले भी दिखाया हुआ है लेकिन नीचे का फ्लोर नहीं दिखाया था कुछ भी इस तरह से प्रॉपरली डिटेलिंग में, तो आज हमने वह दिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का होम टूर का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।